Hello everyone, in this video I have captured a few moments of my some desert visit with my brother and sister-in-law, so do enjoy. सबसे इजी तरीका हमारे लिए ट्रेन का था, तो हमारे जो सबसे नज़दीक स्टेशन था वो रेवाड़ी वाला था, तो उधर से हमने स्टार्ट किया। बच्चा पार्टी, हेलो बोलो। अभी अपन आ चुके रेवाड़ी जंक्शन, और अभी अपन निकलेंगे जैसलमेर की तरफ। ट्रेन में जाएंगे अभी अपना जैसलमेर एक्सप्रेस, 16 घंटे का रास्ता, मस्त सोते हुए टीपी करते हुए जाएंगे। तब के तब स्टार्ट बन हो जुड़ेगा ट्रेन। तो 3, 4, 5 बैग है, एक आपका छोटा छह। ओए बच्चा पार्टी अरे सुनो तो सही, बताओ कहाँ जा रहे हम? बस बाकी के बाद में अपन ट्रेन में आ चुके। बेस्ट थिंग इज की ये पूरा कबाड़ अपना ही है, 2 सीट ये, 2 बीच वाली, 2 नीचे वाली। बच्चा पार्टी हेलो बोलो। सब फैमिली ट्रिप का ये फायदा होता है, खाने के लिए मस्त लेके चलते हैं, घर से तो दिक्कत नहीं आती खाने पीने वाली। अब आके दिखा रन कैसे आवे बताओ। ऐसे ही थोड़ा बातें करते हुए, गेम खेलते हुए, बच्चों के साथ टाइम पास करते हुए निकल गए। रास्ता थोड़ी देर सो गए रात को, फाइनली जैसलमेर। अभी बज चुके हैं सुबह के 6:04। अब हमको अपना ऑटो करना है, सैंड ड्यून्स की तरफ निकलेंगे अब। बट उधर ओनली अपने पास पिज़्ज़ा का ब्रेकफास्ट है, तो लंच में दिन में घूमेंगे कहीं, क्योंकि उधर चेकआउट या चेक इन 3 बजे का है। तब तक देखना है क्या करना है। ये जैसलमेर के बच्चों कुछ तो रिएक्शन दो। सारा एक्साइटमेंट ट्रेन में ही ख़त्म हो गया। तो अपन आ चुके हैं अपने सफारी कैंप में। अब अपन को अर्ली चेक इन मिल गया, इन लोगों ने दिया है। वैसे 3 बजे का होता है, बट अपन 7 बजे आ रहे हैं। और सब लोग ऐसे बच्चा पार्टी चलो। तो यूजुअली होटल वाले रेफ़र करते हैं कैब वाले को, वो अप्रोक्स 900 से 800 रुपये लेता है, वो यहीं रुकता है पूरे दिन। जब तुम वापस जाते हो तुम्हारे साथ जाता है, बट हम नहीं ले पाए क्योंकि हम जल्दी आ गए, वो 11 बजे निकलती है उनकी गाड़ी। तो अपन ने वापस से कैब किया, जो कि 1000 रुपये कुछ का पड़ा। यह मस्टेंट है भाई, इधर अपने पास लेट वर्थ मिलेगा अंदर, और उधर वापस निकलते। अभी देख रहे हैं टेंट ले होटल ले, क्योंकि बच्चे बच्चे साथ में, लोग बोलते हैं टेंट में सर्दी बहुत है, और हर फर लाइक आवाज़ें आएगी, रात को हवा चली तो ऐसे टेंट बजेगा ना भाई कपड़ा है। तो सुबह ब्रेकफास्ट टाइम तक कॉटेज में ही रुके, उसके बाद हम लोगों ने टेंट में स्विच कर लिया। तनवी तो भी कर, ध्रुवी तो भी कर। ये इनका कैफेटेरिया टाइप है, इधर ब्रेकफास्ट डिनर सब इधर ही कराते हैं। सो ब्रेकफास्ट में इधर बेसिकली अपन को आलू पूरी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये बहुत दूर है सिटी से, तो इधर यही चीज़ें लाइक अवेलेबल या लेके आ पाते हैं लोग। तो मिला कैंप नंबर 1, 2, 3, ये शायद थोड़ा छोटा है पर एक बंदे के लिए तो काफ़ी है। दिखे कुछ और तो बोलो। चलो लेट मी गिव यू अ क्विक वॉक थ्रू। कैंप नंबर 2, बाकी 2 इनके जैसे हैं, पर एक मेरा थोड़ा अलग है, पता नहीं कुछ तो सीन है।
और ये अंदर से। ट्रैवलर्स स्माइल प्लीज, सब लोग धूप सेकते हुए। दोपहर तक फिर वही टाइम पास किया, मस्त बच्चों के साथ गेम वेम खेले। उसके बाद कैमल सफारी का और जीप सफारी का दो ऑप्शन था, तो कैमल का आई वुड सजेस्ट दोपहर में कर लेना, क्योंकि कोई नहीं करता दोपहर के टाइम पे, तो इट्स इजी कि वो लोग एकदम चिल होकर तुमको विजिट कराएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई जल्दी करो, नेक्स्ट लोगों को करना है और ये सब चीज़ें। और शाम को अपना कैमल के लिए, सॉरी जीप सफारी के लिए निकल जाओ। अब अपन चलेंगे ऊँट सफारी के लिए। एक मिनट पकड़, मुझे गाड़ी आ रही है। एक अपना ये ऊँटा और एक अपना ये ऊँटा, इधर भाग रही है। अरे चल रहे चल तो सही, तो मेरा हाथ तो छोड़। अच्छा मुने आप बैठ रहे, नहीं आगे आप बैठोगे बेटा। संजू पकड़ लेना तन्वी को। ए भाभी तेरा फोन पड़ गो। अरे भाई है तन्वी, आ रहा है मजा? पीछे तो देखो। अगले हेलो बोलो, हेलो मेरे को बहुत मजे आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा विंडमिल मिल रही है मेरे को। गुड। लोग घूमने आए, अगर आ गए जून जुलाई में आ जाओ ना, तो क्या यहाँ हवा चलता है, पेड़ नहीं दिखाई दे, एकदम क्लियर हो जाए, एक पूरा शिफ्ट हो जाएगा उधर, तेज हवा चली तो टीले इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं ना पूरे, बहुत तेज हवा चलती है। यहाँ के ऊँट अपनी मस्ती में लगे हुए हैं भाई। जीप सफारी के लिए रेडी? रेडी।
सो जीप सफारी में मोस्टली यही होता है, ऐसे ही पूरे रेगिस्तान में ऐसे जीप लेके घूमते रहे। पहुँच गया अपन, बड़ा ही खतरनाक रास्ता। बता तन्वी, इधर भी कैमल राइड का ऑप्शन है अपने पास? ऑप्शन तो है न बोल, ऑप्शन तो है, इधर भी ऑप्शन देते हैं, या तो कैंप वाले के साथ कराओगे दूसरे डेजर्ट, या फिर इधर ही जीप सफारी में लेके जाएंगे, या इस रेगिस्तान में कर सकते हैं अपन कैमल सवारी। हम एक बार कर चुके, हम दोबारा नहीं करेंगे, ये वाले इंक्लूड नहीं है, इसका अलग से चार्ज लेंगे। ऐसे बताना है, कैसे बताना है बता वापस से। कोई तरह के अपन चाय पिए, बच्चे को मैगी दिलाई, अभी अभी बच्चा एक तारा बजा के दिखा देगा। इधर बहुत से ऐसे लोग हैं, एक तारा बजा के दिखाते हैं, परफॉर्मेंस दिखाते हैं। देन ये पैराग्लाइडिंग के लिए जीप से बांध के खींचते हैं, जो कि इजंट वर्थ इट, क्योंकि 1000 रुपये पर पर्सन में बस 1 किलोमीटर ले जाना इजंट दैट मच गुड। कौन सा बन रहा नागिन? नागिन टिल सनसेट, बच्चों की कलाकारी। ए बंदरी, लड्डू खाने तो जैसलमेर आ जाओ। चलो चलो, सनसेट देख के एंट्री किया, वेलकम आपने देखा ही। अभी ये प्रोग्राम शाम के प्रोग्राम के लिए लाइक रेडी है सब प्रिपरेशन। अभी मेरे को थोड़ा सर्दी लगा तो अपन थोड़ा रेस्ट करेंगे, इधर शायद इवनिंग में। अभी इधर ये लोग थोड़ा डांस करते हैं जो भी ट्रेडिशनल है, और उसके बाद थोड़ा शेर व शायरी करते हैं ये लोग। होलिया में उडेरे बुला गयो रंगी मेला में, ऐसे में ए बाल मीरा उठुड़ी ये छटारो बरसे में वो बाल मीरा। जी में भाई साहब जी कौन कहते हैं कि बूढ़े लोग इश्क नहीं करते, कौन कहते हैं कि बूढ़े लोग इश्क नहीं करते, वो लोग जरूर करते हैं। अपने बच्चे अच्छे जो बूढ़ों पे शक नहीं करते। भाई साहब खड़े थे छत के ऊपर, किसी ने आके दरवाजा खटखटाया, तो भाई साहब ने सोचा कि मेरा दिलदार आया, जरा दरवाजा खोल के देखा तो लिखा हुआ बिजली का बिल आया। भाई साहब जी जाम पर जाम पीने से क्या फायदा,
इसके बाद इन्होंने अपना डांस प्रोग्राम चालू किया, डीजे वीजे बजा के जिनको पीना खाना सब स्टार्ट किया और हम लोग अपने जाके सो गए क्योंकि अगले दिन हमको जैसलमेर सिटी निकलना था। वी विल बी कवरिंग दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।